हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज जय सिंह। आज की वीडियो हम बात करेंगे चार ऐसी कॉमन इंजरीज के बारे में जो अक्सर बॉडी बिल्डर्स को हो जाती हैं, जो एथलीट्स हैं, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उनको हो जाती है। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे आज की वीडियो में आपको स्ट्रेन, स्प्रेन, टेंडनाइटिस, ब्रुसाइटिस, इन चारों के बारे में डिटेल में जानने को मिलेगा। वैसे इन चारों इंजरीज के होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे मेन रीजन होता है वह होता है ओवर ट्रेनिंग। जिस तरह किसी भी मशीन का अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वह घिस जाती है, उसमें कुछ खराबी आ जाती है, और ये खराबी इंडिकेट करती है कि हमने उस मशीन को ज़्यादा इस्तेमाल किया है, ओवर यूज़ किया है। तो सेम इसी तरह हमारे बॉडी के साथ भी होता है। अगर हम अपने बॉडी पार्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा हम इसको ट्रेन करेंगे, ओवरली ट्रेन करेंगे, तो क्या होता है, हमारे बॉडी पार्ट्स का एक ओवर यूज़ होता है, जिससे हमारी बॉडी पार्ट्स भी ख़राब हो जाते हैं और इंजरीज के फॉर्म में हमारी बॉडी हमको इंडिकेट करती है कि देखो आपने इस मशीन को ज़्यादा यूज़ किया है, ज़्यादा ट्रेन किया है, ज़्यादा चलाया है, या फिर इसको अच्छे से नहीं चलाया, जितनी केयर चाहिए हमारी बॉडी को उतनी केयर आपने नहीं की है, इसलिए हमको इंजरीज का सामना करना पड़ता है, इंजरीज झेलनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन हमारे बॉडी के अंदर जब भी मसल फाइबर फट जाते हैं, कट जाते हैं, इनकी टियरिंग जब ज़्यादा हो जाती है तो इसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। नॉर्मल भाषा में हम स्ट्रेन को मसल पुल बोलते हैं। जब हमारी मसल ज़्यादा खिंच जाती है, इसमें ज़्यादा खिंचाव आ जाता है तो इसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। अगर हम और इसका एक कॉमन वर्ड के बारे में बात करें तो जब आप सुनते हैं कि मोच आ गया, तो मोच कहने का मतलब ही होता है कि हमारी जो मसल है वो खिंच गई है, पुल हो गई है, तो उसी को ही हम स्ट्रेन बोलते हैं। और जब जब आपको स्ट्रेन होगा तो जिस एरिया में आपको स्ट्रेन हो रहा है वहाँ पर आपको बहुत दर्द महसूस होगा, उस एरिया, उस मसल का जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, उस मसल का जो रेंज ऑफ मोशन है, रेंज ऑफ मूवमेंट है, वो कम हो जाएगा। और जब जब आप उस मसल को यूज करेंगे जहां पर स्ट्रेन हुआ है, तो आपको बहुत खिंचाव महसूस होगा, आपको बहुत दर्द महसूस होगा, जिसके कारण आप अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। हमारी बॉडी में स्ट्रेन होने के मेनली 5 कारण होते हैं, जिसमें से पहला है रैपिड स्ट्रेच। अगर आपकी मसल ज्यादा स्ट्रेच हो गई, ज्यादा खिंच गई, तो यहां पर आपको स्ट्रेन होगा, आपको दर्द महसूस होगा। दूसरा चीज आता है ओवर यूज। जब हम ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं, ओवर ट्रेनिंग करते हैं, ज़्यादा देर तक वेट उठाते रहते हैं, तो यहाँ पर आपको स्ट्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा आता है कि जब हम बहुत थका हुआ महसूस करते हैं तो हमारे बॉडी में स्ट्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा क्या होता है कि जब हम गलत फॉर्म, गलत टेक्निक, गलत पॉस्चर्स में एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर आपको स्ट्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और पांचवा, जब आपके बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं पहुँचता, मेनली जब आपके बॉडी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये जो मिनरल्स हैं, ये अच्छे अमाउंट में नहीं पहुँचते, तो यहाँ पर आपके बॉडी में स्ट्रेन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड इंजरी की, जो कि है स्प्रेन। स्प्रेन कहने का मतलब होता है जब हमारे लिगामेंट्स टियर हो जाते हैं, तो इसको हम स्प्रेन बोलते हैं। लिगामेंट आप तो सब जानते होंगे क्या होता है। लिगामेंट एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारे बोन को बोन से कनेक्ट करता है। लिगामेंट एक थिक बैंड होता है जो हमारे जॉइंट्स को स्टेबलाइज कराता है और हमारे जॉइंट्स को किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है। हमारे बॉडी के लगभग हर जॉइंट में लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम सिर्फ शोल्डर जॉइंट की बात करें तो केवल शोल्डर जॉइंट में 5 अलग अलग तरह के लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हैं कैप्सुलर लिगामेंट, ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट, कोराको ह्यूमरल लिगामेंट, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, कोराको एक्रोमियल लिगामेंट। इन लिगामेंट्स में इंजरीज तब होती है जब इनको ज़्यादा स्ट्रेस झेलना पड़ता है, जब इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है, जब हम हैवी लिफ्टिंग करते हैं, जब हम हैवी लिफ्टिंग करते चले जाते हैं, हम जब ओवर ट्रेनिंग करते हैं, जब हम इन लिगामेंट्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं, तब इन लिगामेंट्स में इंजरीज होने के चांसेस बहुत बढ़ते जाते हैं। या फिर कोई जब एक्सीडेंट हो जाता है या मिस हैपनिंग हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल जब आप जिम में लिफ्टिंग कर रहे हैं, बहुत हैवी वेट है और वापस आके अच्छे से संभला नहीं, गिर गया, तो यहाँ पर आपके लिगामेंट स्ट्रेच होने के चांसेस, टियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसे कि फुटबॉल खेलते हैं, आपको किसी की किक लग गई आपके नी पे, तो यहां पर हो सकता है आपके नी के लिगामेंट जो होते हैं वो स्ट्रेच हो जाएं, वो टियर हो जाएं। ये जो लिगामेंट्स होते हैं, इनकी इंजरी 3 अलग अलग स्टेजेस में हो सकती है। चलिए हम देख लेते हैं कि क्या क्या केस हो सकते हैं यहाँ पर। यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट है नॉर्मल केस। नॉर्मल केस में हमारा जो लिगामेंट है वो एक थिक बैंड जैसा आप देख पा रहे होंगे। केस फर्स्ट में क्या होता है, यहाँ पर जब आपको कोई लिगामेंट पे इंजरी होती है तो आपका जो लिगामेंट होता है वो ज़्यादा खिंच जाता है, ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारे लिगामेंट की थिकनेस है वो थोड़ी सी कम हो रही है, खिंचा हुआ दिख रहा है। यहाँ पर मैंने नीचे लिखा है स्ट्रेच। अब क्या होता है, अगर आप इस केस फर्स्ट को रिकवर नहीं करते हैं, ठीक नहीं करते हैं और ओवर ट्रेनिंग करते चले जा रहे हैं, तो क्या होता है, केस 2 डेवलप हो जाता है। केस 2 में क्या होता है, हमारे जो लिगामेंट होता है इस पर
छोटे छोटे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, टीयरिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है ये इंडिकेट करता है टीयरिंग की। यहाँ पर इस केस नंबर 2 पर हमारे जो लिगामेंट होते हैं इनमें छोटे छोटे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, टीयरिंग स्टार्ट हो जाती है। अब क्या होता है जब हम इस केस 2 को ठीक नहीं करते और ओवर ट्रेनिंग करते चले जाते हैं, ओवर यूज़ इन लिगामेंट्स का करते चले जाते हैं, तो क्या होता है केस 3 पहुंच जाता है। केस 3 में क्या होता है आपके जो लिगामेंट होते हैं वो पूरी तरह से टूट जाते हैं, रप्चर्ड हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने लिगामेंट के बीच पर टूटा हुआ दिखा है, रप्चर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा लिगामेंट टूट जाता है। जब केस 3 आ जाता है तो आपको यहाँ पर सर्जरी करवानी पड़ती है, सर्जरी ही ऑप्शन रहता है, इसको आप ठीक नहीं कर सकते। अगर केस 1, केस 2 तक है तो हम यहाँ पर लिगामेंट को ठीक कर सकते हैं, यह हमारे हाथ में रहता है तब भी, लेकिन केस 3 रीच होने के पर हमारे हाथ पे यह नहीं रहता, हमको फिर सर्जरी पे ही जाना पड़ता है। सो मेक श्योर आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि जब स्प्रेन होता है तो भी आपको बहुत दर्द झेलना पड़ता है। अब बात करते हैं हमारी तीसरी इंजरी की जो कि है टेंडनाइटिस। टेंडनाइटिस क्या होता है, जब हमारे टेंडन टियर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उसको हम टेंडनाइटिस बोलते हैं। टेंडन के बारे में तो आप जानते ही होंगे क्या होता होगा, टेंडन हमारे बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू होता है, यह हमारे मसल को हमारे बोन से कनेक्ट करता है। और जब आप ओवर ट्रेनिंग करते हैं, इंटेंस हैवी वर्कआउट करते ही चले जाते हैं, या फिर आपके साथ अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ मिसहैपनिंग हो गई, या कुछ आपको सडन जर्क लग गया बहुत तेज से, तो यहाँ पर आपके टेंडन में इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं। और जब आपको यह टेंडन की इंजरी होती है तो बहुत दर्द होता है, जहाँ पर इंजरी हुई है वह जगह सूज जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और जिस तरह से हमने लिगामेंट में देखा था कि यहाँ पर लिगामेंट इंजरी के होने के 3 केसेस हो सकते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, जहाँ पर केस 1 में स्ट्रेचिंग होती है, दूसरे में थोड़ी सी हल्की सी माइन्यूट टीयरिंग होती है, पार्शियल टीयरिंग बोलते हैं, और तीसरे में रैप्चर होता है। तो सेम इसी तरह से हमारे इन टेंडन में भी इसी तरह की इंजरीज, इसी तरह के केसेस देखने को मिलते हैं। अब आती है चौथी इंजरी जो कि है बर्साइटिस। यहाँ पर आपको बर्साइटिस को समझने से पहले आपको बर्सा क्या होता है वह जान लेना चाहिए। बर्सा छोटे छोटे साइनोवियल फ्लूइड की थैलियाँ होती हैं, यह वहाँ पर प्रेजेंट होती है जहाँ पर मूवमेंट होता है, जहाँ पर फ्रिक्शन होता है, जैसे कि जहाँ पर हमारे स्किन, हमारे टेंडन, हमारे मसल टिश्यू, बोन मिलती है, वहाँ पर यह बर्सा प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप इस समय हमारे शोल्डर जॉइंट की इमेज देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बर्सा कहाँ पर प्रेजेंट होता है और कैसा होता है। ये बर्सा एक कुशन की तरह एक्ट करता है, जिसके कारण जो फ्रिक्शन होता है बॉडी पार्ट्स के बीच में वह स्मूथली हो सकता है। तो जब भी आप ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, ओवर ट्रेनिंग करते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट होता है हमारे बॉडी पार्ट्स के बीच में, जिस कारण ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। और जब ज़्यादा फ्रिक्शन होता है तो ये जो बर्सा होते हैं ये इरिटेट हो जाते हैं, इनमें स्वेलिंग हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पर आपको दर्द महसूस होता है, और इसी दर्द को हम बर्साइटिस बोलते हैं। सो यह थी कॉमन 4 इंजरीज जो आपको अक्सर बॉडी बिल्डर्स, एथलीट्स, फिटनेस फ्रीक्स, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक पीपल्स में देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको इन इंजरीज से बचना है और आप चाहते हैं कि आपको यह कोई इंजरीज ना हो, तो मेक श्योर आप पहली चीज़ ओवर ट्रेनिंग ना करें। मैं यहाँ पर लोगों को देखता हूँ जिम में डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे वेट उठाते रहते हैं, हैवी लिफ्टिंग करते रहते हैं, तो मेक श्योर यहाँ पर आप 1 घंटे ही वर्कआउट परफॉर्म करें जहाँ पर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा एक्सीड ना करें। दूसरा चीज़, प्रॉपर रिकवरी होनी चाहिए आपके बॉडी की। अगर आपके बॉडी के अंदर जो बॉडी पार्ट्स उनकी रिकवरी नहीं हो रही, आपके मसल, टेंडन, लिगामेंट अच्छी तरह से रिकवर नहीं हो रहे, तो आपको इंजरीज तो होंगी। तो मेक श्योर आप रिकवरी में ध्यान दें, अच्छे से रेस्ट लें, प्रॉपर स्लीप लें। तीसरी चीज़, आपका जो न्यूट्रिशन वो वेल बैलेंस होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। मेक श्योर आप यहाँ पर हाई प्रोटीन डाइट लें। दूसरा, जो विटामिन है लाइक सी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन के हो गया, ये आपके बॉडी में भरपूर मात्रा में जाना चाहिए। जो मिनरल्स हो गए, मेनली मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और जिंक, ये 4 मिनरल आपके बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में, एडिक्यूएट अमाउंट में ज़रूर जाने चाहिए, तभी आपको इन इंजरीज से बच सकते हैं और जल्दी रिकवर कर सकते हैं। चौथी चीज़, जब भी आप अपना वर्कआउट परफॉर्म करने जाएं, तो मेक श्योर आप वर्कआउट परफॉर्म करने से पहले बॉडी को अच्छे से वार्म अप कर लें। जो वार्म अप रूटीन होता है पूरा उसको फॉलो करें और बॉडी को अपने अच्छे से हीट अप करके ही वर्कआउट अपना स्टार्ट करें। पाँचवीं चीज़, ईगो लिफ्टिंग ना करें, ज़्यादा वेट उठाने के चक्कर में अपने आप को इंजर्ड ना कर लें। छठवीं चीज़ आती है यहाँ पर, अपने जब भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म करें तो मेक श्योर आप उस एक्सरसाइज को सही फॉर्म, सही टेक्निक, सही पोस्चर में परफॉर्म करें। और सातवीं चीज़ आती है कि जब भी आप अपना वर्कआउट फिनिश करें, तो उसके बाद जो प्रॉपर कूल डाउन रूटीन होता है वो फॉलो करें, स्ट्रेचिंग करें, अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। सो यह थी कुछ टिप्स जिनको फॉलो करके आप जिम में होने वाली इंजरीज से बच सकते हैं और लाइफ लॉन्ग तक अच्छी बॉडी, अच्छा हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि जब इंजरीज होती हैं तो बॉडी को नुकसान तो होता ही है, साथ ही साथ बहुत दुख होता है, हमारा जिम छूट जाता है भाई। सो आज की वीडियो इतना ही, आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं, तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।